हाँ इधर देखिए भाई, आप तुम्हारे को लिखने लखने का कोई काम नहीं है अभी। एक आध घंटे में आप चीजों को देखिएगा। अभी जैसे आज दीपावली के बाद अपन किसी नए टॉपिक के सिलसिले पर ही बात करेंगे, इस वजह से मैंने सोचा तुम्हारे को 10-20-50 क्वेश्चन दिखा दे जो यंत्रों से रिलेटिव हो। बहुत सारे यंत्र हमें पढ़ने नहीं होते हैं, उनमें कुछ रिलेवेंट चीजें होती हैं जो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में देखना होता है। वैसे इस दुनिया में बहुत सारे यंत्र होते हैं, उन सारे यंत्रों का पढ़ने का अपन लोगों ने कोई जिम्मा थोड़ी ना ले रखा है। बस कुछ रिलेवेंट चीजें जो हमें परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं, उनसे रिलेवेंट मैं आप लोगों को इस दरमियान बात करने वाला हूं। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसकी कुछ जुड़ाव की चीजें हैं वो भी मैं आपको साथ की साथ यहीं से, जैसा कि ये क्वेश्चन आप लोग दिखाई दे ही रहा होगा आप लोगों को कि हृदय और फेफड़े की आवाज, मैंने आपको 2-4-5-7 रोज पहले भी बात की थी शायद इसके ऊपर कि डॉक्टर हमें कुर्सी पे बैठा के पीछे घुमाता है कि उधर पीछे घूम, तो अपने पीछे वाले पीठ वाले हिस्से पर स्टेथोस्कोप लगाता है। वो इस कारण लगाता है क्योंकि स्टेथोस्कोप के द्वारा दोनों चीजों की जांच की जाती है। एक तो हमारा जो हृदय होता है, इसे हृदय की क्रिया विधि का पता लगाया जाता है, क्या ये सही से काम कर रहा है, इसे सही से ध्वनि आ रही है क्या। स्टेथोस्कोप के द्वारा हमारे हृदय से निकलने वाली दो प्रकार की ध्वनियां होती है उनको सुना जाता है। एक तो होती है लब और एक होती है डब। ये सुन लेता है आसानी से डॉक्टर, लेकिन जब हमारा हृदय सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता है ना, तो इस हृदय से एक विशेष प्रकार की ध्वनि डॉक्टर को सुनाई देती है और उस ध्वनि को कहा जाता है मुरमुर। क्या कॉल किया जाता है? तब वो आपको ईसीजी करवाने की सलाह देता है कि आप लोग एक बार हृदय की क्या करवा के लाइएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ऐसा कहीं आपको रिलेवेंट चीज पूछे तो आप बता सकते हैं स्टेथोस्कोप। इसके अलावा एक चीज और सुनना, जो 2021 में आरएस का पेपर था ना, उस आरएस के पेपर में आप लोगों को ऐसा सवाल पूछा कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। ये परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, लेकिन ध्वनि के कौन किसके परावर्तन पर, ध्वनि के। ये प्रकाश का ही परावर्तन नहीं होता है, ध्वनि का भी परावर्तन होता है। तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे ये काम करता है, टकराकर उससे वापस होके वो कानों में सुनाई देता है। तो ध्यान हो ही जाएगा कि ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो और हाँ, ये दोस्त, ये डॉक्टर के द्वारा दोनों के दोनों जो यंत्र होते हैं कई बार आपको पेपरों में पूछे गए हैं। एक तो होता है स्टेथोस्कोप, इसकी कुछ जुड़ाव की चीजें हैं वो हम लोगों ने यहां से सीख ही ली हैं, और इसी के साथ एक और हम लोगों को सीखना होता है जिसको हम कहते हैं क्या, स्फैग्मोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा तो हमने जांच लिया कि किसकी जांच की जाती है, हृदय या हृदय की क्रिया विधि से रिलेवेंट बातों को पढ़ते हैं। लेकिन स्फैग्मोमैनोमीटर जो होता है बीपी या ब्लड प्रेशर को मापने के लिए काम में लिया जाने वाला एक यंत्र होता है, जिसमें एक धातु का प्रयोग करते हैं। वो धातु होती है कौन सी, मरकरी, जिसको अपन Hg के नाम से भी हम लोग उसको कहते हैं। अपन ब्लड प्रेशर मापते हैं तो वो हवा सा भरता है डॉक्टर, वो होता है स्फैग्मोमैनोमीटर। ये दिल्ली पुलिस के पेपर में दोनों को दोनों सवाल पूछे गए हैं आप लोगों को, स्टेथोस्कोप क्या काम करता है और स्फैग्मोमीटर ये क्या काम करता है। अब देखो एक चीज का और ध्यान देना है, अब जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में आगे की तरफ बढ़े ना, तो इनके विकल्पों के बारे में आप लोग गौर कर रहा कि क्या मैं इस विकल्प को पहले कहीं जाना हूं क्या। देखो एक होता है टोकोमीटर, टोकोमीटर होता है घूर्णन गति को मापने के लिए, किसको मापता है, घूर्णन। कोई भी टायर कितना चक्कर लगाता है उसकी सापट के चारों तरफ, वो घूर्णन गति मापने के लिए काम में लिया जाता है, किसका, टैकोमीटर। इसके बारे में बहुत अच्छे से अपन लोग जान चुके। फिर होता है एक्टिनोमीटर, मैंने आपको पिछले दरमियान बताया एक्टिनो, एक्टिनो वर्ड आता है प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए। एक होता है एनीमोमीटर, वो आता है हवा की तीव्रता, उसके हवा के वेग को और ऐसे को मापने के लिए। बैरोमीटर परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, बैरोमीटर वायु दाब को, दाब को वायुमंडलीय जो दाब होता है उस वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वो होता है बैरोमीटर। इस बैरोमीटर से तीन सवाल और बनते हैं, एक सवाल यह बनता है कि बैरोमीटर क्या काम करता है, दूसरा सवाल यह बनता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि अचानक नीचे गिर रहा होता है तो क्या महसूस करते हैं, वायुमंडल में कौन सी घटना का पता लगता है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से तीव्र गति से ऊपर चढ़ रहा है तो आप किसका अनुमान लगाते हैं। जैसे ये गर्मियों के टाइम में हमारे पास पहले एक आध दिन पहले ऐसे सूचना आ जाती है कि
आंधी आने वाली है, बरसात आने वाली है, ऐसा आपको पहले से पता लग जाता है। और ऐसा पता इसी वजह से लगाते हैं कि जो बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि नीचे गिरता रहता है तो पक्का है क्या आएगी, आंधी और तूफान आने की संभावना होती है। लेकिन यदि तेजी से नीचे गिर रहा है तो, यदि ये धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो बरसात आने की संभावना होती है, और यदि अचानक ऊपर या धीरे से या तेजी से ऊपर चढ़ रहा है तो मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया जाता है। तो तीन सवाल ये हो गए कि आंधी आती है बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने से, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बरसात, और यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से ऊपर चढ़ रहा है तो मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया जाता है। तो इन चारों के बारे में जान लिए होंगे आपने। चलो देखिए आगे देखो, देखिए आप चिकित्सक, बहुत आसान सवाल किया गया तुम लोगों को, एक बार रेलवे के पेपर में पूछा गया था, बता सकते हैं। मुख्य रूप से डॉक्टर के द्वारा दो यंत्र काम में लेते हैं, अक्सर इन दोनों का आपको सबको पता होना चाहिए। एक तो होता है स्टेथोस्कोप और एक होता है स्फैग्मैनोमीटर। बीपी ब्लड प्रेशर मापने को लिए, और ये हृदय की आवाज को सुनने के लिए, हृदय की धड़कनों को गिनने सुनने से रिलेवेंट काम करते हैं। तो बता सकते थे यहां दिया गया विकल्प क्या था, बी। चलो और चलो सापेक्ष आर्द्रता, देखो हम लोगों ने देखो पिछले क्वेश्चंस पे इसके बारे में बात किया, बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। चलो इसके बारे में तो सिलसिला जान चुके। एनीमो, एनीमो मैंने आपको ऐसे कहा, एनीमो वर्ड का उपयोग हम लोग डेली लाइफ में वहां करते हैं जहां कोई वायु या हवा का कोई ना कोई काम हो रहा हो, हवा का वेग ज्ञात करने के लिए। चलो सर हमने दो विकल्पों के बारे में जान लिया, यदि हम तुक्का भी लगाते ना परीक्षा में तो ये दोनों विकल्पों में से कहीं लगा सकते थे, या तो विकल्प सी या विकल्प डी। यदि आप कंटिन्यू क्लासों में बने हुए हैं तो मैंने आपको हाइड्रो वर्ड, ये हाइड्रो जेल, हाइड्रो वर्ड से रिलेटिव बता रखा है कि हाइड्रो वर्ड का उपयोग अपन कहां करेंगे, जल, जल का घनत्व मापने के लिए जिसका अपन उपयोग करते हैं वो होता है कौन सा, हाइड्रो। फिर तुम्हारे पास है एक हाइग्रोमीटर, हाइग्रो, हाइग्रो के द्वारा मापते हैं वायुमंडल की जो व्याप्त आर्द्रता होती है, इस आर्द्रता को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं वो होता है। अब आगे ये ध्यान रखना, मैं अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस में बढ़ रहा हूं वैसे वैसे अब आगे वाले क्वेश्चंस में ऐसे पूछूंगा, पांच यंत्रों के नाम बता, कार्य बता, ऐसे पूछूंगा, तो देख लेना अब तुम्हारे हिसाब से भाई साहब। चलो हो रहा हूं, देखें क्वेश्चंस की थोड़ी अलायंस थोड़ी आगे पीछे हो गई, उसको थोड़ा व्यवस्थित कर ले। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के किया जाता है, अभी हमने पढ़ा कि सर थोड़ा नीचे चला गया, फिर भी उत्तर तो मिल ही गया, ये रहा हाइग्रो। हाइग्रो मापता है आर्द्रता, क्या मापता है, आर्द्रता मापता है। चलो बोलोमीटर की भी बात करें ना, तो किसी भी वस्तु को गर्म करने पर जो उत्पन्न उसमें तापमान होता है उस टेम्परेचर को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसको, बोलोमीटर का उपयोग करते हैं। चलो और आ गया हूं, हाइग्रो आर्द्रता, इसके बारे में पढ़ चुके अपन कि सर हाइग्रो जो मीटर होता है ना इसका उपयोग अपन करते हैं आर्द्रता मापने के लिए करते हैं। हाँ हाइड्रो जो मीटर होता है वो किसका घनत्व है, जल का घनत्व, या जल भी नहीं कहोगे ना तो ऐसा कॉल कर सकते हो तरल पदार्थों का घनत्व। तरल पदार्थों के घनत्व के लिए अपन जिसका उपयोग करते हैं वो होता है कौन सा, हाइड्रोमीटर होता है। अगले को देखे, देखें आप, अब देखो चीजें वही होती हैं, उनको उल्टे सीधे तरीके से, कभी अपने को प्रश्न से उत्तर बनाना पड़ता है, कभी उत्तर से हमें प्रश्न बनाना पड़ता है। जैसे आप पिछले क्वेश्चनों में कनेक्ट थे तो देखो वही क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का ही मॉडल बदला गया दूसरी परीक्षा में, तो मैं आपको तभी ऐसे कहता हूं कि यंत्र यही रहने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसा यूनिट, ज्यादा से ज्यादा 25 ऐसा यूनिट याद करनी पड़ती है, और इतने ही यंत्र याद करने पड़ते हैं, इतनी विज्ञान की शाखाएं याद करनी पड़ती हैं। यदि
यदि ये सारी चीजें आप लोगों को आती है ना, तो बाकी विकल्पों को देखकर आप अन्य जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसका आंसर भी आप लोग लगा सकते हैं, यदि ये चीजें सही तरीके से आती हैं तो आपको। चलो मान लो थोड़ी देर के लिए हमने ऐसे समझा कि सर मैं इस क्वेश्चन के बारे में नहीं जानता, मैंने कभी सुना ही नहीं इस क्वेश्चन के बारे में, और क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा हाइग्रो के बारे में, हाइग्रो में हमने ऐसे पढ़ लिया है अब तक तो आदर था, लेकिन आप जैसे मान लो आप नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, तो सर एक तो है क्युत्नांक, दूध की सुत्ता के लिए तो सर लैक्टोमीटर आता है। चलो मान लो तीनों विकल्पों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी, तो ये एक विकल्प तो पहले से बाहर हो चुका था, और परीक्षा में इस प्रकार का नॉलेज हमें खुद को पनपाना पड़ता है कि हम कौन से विकल्प के बारे में क्या चीजें सोच पाते हैं। हो गया अभी विकल्प, वैसे हम जान ही चुके हैं भाई, कम से कम यदि तुक्का भी लगाओ तो इस प्रकार की चीजें बाहर हो जानी चाहिए, तुक्का भी लगाए तो सर हम तीन में से लगाएंगे कोई ना कोई, तो यहां से तो हम जान चुके हैं हाइग्रोमीटर मापता है किसकी, यहां देखो घनत्व ऐसे कुछ है या आर्द्रता मापता है, घनत्व मापने के लिए काम में लिया जाता है किसको, हाइड्रोमीटर को काम में लिया जाता है, ठीक है ना। चलो बैक साइड में आओ, क्वथनांक, क्वथनांक किसे कहते हैं जरा मेरे को बताने का प्रयास करें आप लोग, जिसमें कोई खड़ा होकर आदमी सही स्पष्ट उत्तर दे सकता है क्या मेरे को कि क्वथनांक सर फला फला को कहते हैं, मैं इसके बारे में यह जानता हूं, गलत हो तो ठीक है सही है तो ठीक है, बाकी मैं यह जानता हूं। हाँ बिल्कुल बैठ, वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव, या पानी से ले लीजिएगा, पानी जिस तापमान पर उबलना प्रारंभ करता है वो पानी का क्वथनांक या उबलांक बिंदु कहलाता है, और पानी का क्वथनांक बिंदु आप लोग ही मेरे को बताने वाले हैं 100 डिग्री। मैं तो इसमें नहीं पूछ रहा, मैं तो फोरेनहाइट में पूछना चाहता हूं, 212 फोरेनहाइट, नहीं मैं तो इसमें भी नहीं पूछना चाहता, मैं तो केल्विन में पूछना चाहता हूं, 300। हाँ इस प्रकार की चीजें आपको याद होनी चाहिए कि आपको जल का क्वथनांक पूछेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपको विकल्प में मिलेगा, 212 मिल सकता है, 373 मिल सकता है। आप लोगों ने पिछली क्लासों में बैठे हुए थे ना, तो मैंने इन तीनों चीजों को बदलना सिखा रखा है तुम्हारे को, सेल्स सेंटीग्रेड, फोरेनहाइट और केल्विन। कोई नया आदमी भी बैठा होगा मेरे हिसाब से वो भी इन चीजों को कनेक्ट कर पाया होगा, इसके लिए कोई टॉपिक के पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी आप लोगों की, आप टॉपिक पढ़े हुए हो या नहीं पढ़े हुए हो। ठीक, पूजा मेहरा कौन है, पूजा मेहरा होगा, आपका कोई वेट कर रहा है बार, आओ इधर, हो गया काम इसका, ये बातें कहीं से भी पूछ लूं टेम्परेचर से रिलेटिव, ठीक नाइस, जरा बताना देखें, आपने क्वथनांक तो बताया मेरे को, क्वथनांक तीनों के बारे में बता दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 212 फोरेनहाइट होता है और केल्विन में 373 होता है। चलो ठीक, अब मेरे को आप जमाव बिंदु भी, हिमांक बिंदु बताओ आप मेरे को, हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री, 273। एक चीज और याद रखना, ये सारे के सारे है ना 0, 32 और केल्विन, यहां से इन तीनों टेम्परेचरों का जो स्केल होता है इनका जो मानक स्तर होता है वो यही होता है, मतलब सेल्सियस का पैमाना 0 से शुरू, सेल्सियस को फुट्टो 0 से शुरू हो जाए, फोरेनहाइट को 3200 और केल्विन को 273 से शुरू हो जाए, उसको कहते हैं मानक स्तर उसका, ठीक है। एक और बताएं तो आप मेरे को, परम शून्यता, आप पिछले दरमियान आप ही मेरे को बताए थे शायद, माइनस 273 क्या डिग्री फोरेनहाइट में, नहीं
आस पास ही नहीं है कहीं। 10 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बदल के बताएं आप मेरे को, सेल्सियस के मान को फोरेनहाइट में बदलें। 10 सेकंड का समय है, बदल के बताइएगा। 10 सेकंड में आपने 5 सेकंड गवा दिए, क्वेश्चन लॉक होने वाला है। मुंह के हाथ लगाने से इनसे नहीं आएगा उत्तर कभी भी। कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, ऐसे नहीं होगा, कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, इधर नहीं होगा। 300 नजदीक पहुंचा है, 300 गलत जवाब। कितना? 9 गलत जवाब। 300 गलत जवाब। आप कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, गलत नहीं, मैंने केल्विन में पूछा ही नहीं, मैंने फोरेनहाइट में पूछा है। केल्विन में तो 0 केल्विन है, बिल्कुल सही बात है। 485 थोड़ा नजदीक पहुंचा है, 465 और 9, 400 नहीं। आप कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। हाँ, 458। कैलकुलेशन को सही करो आप, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गुणा भाग में कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहे हो आप। मैंने पर्सन आपको यू पूछा, सेल्सियस के मान को आप मेरे को फोरेनहाइट में बदल के बता दें। सेल्सियस में मान पड़ा है -273 डिग्री सेल्सियस, आपको केवल इसको फोरेनहाइट में बदलना है। तो फोरेनहाइट में बदलने के लिए मैंने आपको रिश्तेदार बता रखे हैं इसके, C/5 बराबर F-32/9। वो तीसरे वाला रिश्तेदार को क्यों लेते हो, माथा खराब करेगा इधर। चलो ठीक, पर्सन में इधर देख, इधर इधर देखें आप, सभी सदस्यगण बोर्ड की तरफ देखें, इधर देखें आप। पर्सन में दिया गया क्या, सेल्सियस की जगह कितना, -273/5 बराबर F-32/9। मैंने आपको इसे बता रखा है, कटे तो ही काटे, कई शाने आदमी काट दिए, काट दिए तो फिर गुणा पॉइंटों में दिक्कत करता है, उल्टी दस्त का काम कर देता है फिर वो। पहले इसको गुणा कर ले 9 से, 1800, 630, 1800 और 600, और 30 और 2430, 927, 900 नहीं, 2457, वो भी किसके, -5 बराबर F-32। भाग, अब भाग लगाना पड़ेगा, लगा दिए 5 का ही, तो लगा 4 5 20, 4 5 9 45 पूरा गया, 5 1 5 पॉइंट, 2 बचा, 0 आएगी पॉइंट लगने के बाद, 5 4 20 बराबर F-32। माइनस का 32 दूसरे पक्ष में, प्लस का, लेकिन ये माइनस में है पहले से ही, ये पहले से ही माइनस में, और वो आएगा तो इधर किस में, प्लस में, और माइनस प्लस जानते हो क्या होता है, कितना क्या होता है, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस माइनस का होगा। 459.4 ये आ रहा था, मैंने कोई नई चीज नहीं लिखी इधर, आपके अलग अलग एक सिंगल आदमी क्या आया था, जो भी बहुत सारे प्रेशर देने के बाद कि कैलकुलेशन को सही कर, कैलकुलेशन को सही कर, उत्तर लेट आ जाए लेकिन चीजें सही आनी चाहिए। चलो आओ, केल्विन में 0 केल्विन होता है, परम शून्य तापमान का मान सेल्सियस में फलाना, केल्विन में दिखाना, 459.4। BR के पेपर में, अभी BPSC प्राथमिक शिक्षकों का पेपर लगा था, उसमें पूछा था, उसमें पूछा था इस बात को। आज तक तो परीक्षा में ऐसे ही पूछता था, परम शून्य तापमान कितना सेल्सियस में, लेकिन सेल्सियस में विकल्प नहीं था, फोरेनहाइट में था। तब मैंने आपको कई बार ऐसे बातचीत करते समय आपको 2 4 5 7 मिनट जैसे ज्यादा लग गई हूं, लेकिन अपन ने बदलना सीखा था उधर। और केल्विन में होता है कितना, 0 केल्विन। चलो आओ अगले प्रश्न पे आओ, आप इसको देखे देखे, आप हवा और वो भी किसको माप रहे, आर्द्रता,
आर्द्रता मापते हैं? आर्द्रता मापी नहीं है वो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ आर्द्रता मपवा रहा है उससे, घनत्व नहीं मपवा रहा है। घनत्व मापवाता तो आप लोग बताते हैं, और बाकी फिर भी मान लो कोई दिक्कत थी तो आपके पास आर्द्रता मापी है, इसी आर्द्रता मापी को अपन लोग जानते हैं, हाइग्रो के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख। अब देखो चीजें दोनों के दोनों प्रश्न एक ही है, ये प्रश्न भी वही करना चाहता है और ये भी वही करना चाहता है, लेकिन जमाने के आधार पर इन क्वेश्चनों की लैंग्वेज बदली गई है, तो चीजें वही रहेंगी। आप जो आज चीजें पढ़ रहे हैं 10 साल के बाद भी चीजें वही रहेंगी, बस उनका थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, जैसे परम शून्य तापमान पहले भी पूछता था, अभी नया प्रश्न आया तो वो ऐसे आ गया, फॉरनेट बता, उन चीजों को बदलेगा बस थोड़ा बहुत, बाकी चीजें वो की वही रहेंगी। आर्द्रता किस स्तर को मापते हैं? हाइग्रो, और हाइड्रो से घनत्व, क्या मापते हैं? गैलोनोमीटर। धारा की दिशा, इस तार के लगाया तो ये तार बता देगा कि धारा इधर जा रही है या इधर आ रही है, समझ रहे नहीं? धारा कैसे ये है, अब इसमें धारा किधर से जा रही है पता, तुम देख लेना रे भाई, मेरे को तो पता है कि गैलोनोमीटर यहां लगाएंगे ना तो ये बताएगा इधर से धारा जा रही है उधर, इस तार से ओके जा रही है, धारा की दिशा को बताता है कौन? गैल्वेनोमीटर। चलो रहो तो तीनों के बारे में जाने, ये फैदोमीटर क्या, ये फैदो नहीं होता है, फैदो होता है, फैदो होता है तो जानते हैं समुद्र की गहराई, बैरोमीटर, और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता कह दे, दूध का घनत्व कह दे, इस प्रकार दूध से रिलेटिव काम लैक्टोमीटर करता है। मल्टीमीटर, ये मल्टी अल्टीमीटर है, अल्टी ऊंचाई। थर्मामीटर तापमान, थर्मामीटर तापमान मापता है, जानने लगे? अगला देखो, देखें और मैंने आपसे पक्का ऐसे कहीं ना कहीं बात कर रहा रखा होगा भूकंप के बारे में, सिस्मो ग्राफ, सिस्मोलॉजी और रिएक्टर, ये केवल और केवल भूकंप की तीव्रता को मापता है कि कितनी तीव्रता है, इसको कोई मतलब नहीं होता है भूकंप का मापेगा कि नहीं मापेगा, केवल ये तीव्रता को मापता है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को महसूस करता है कि आ गई या नहीं आई, और ये सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है, और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल। एनीमोमीटर, जानने लगे? अब जैसे जैसे क्वेश्चनों में से चलो ना आप आगे, तो रिलेवेंट चीजों को देखें आप इधर, कि कौन सी चीज अपन पहले जान चुके, ये पता नहीं क्या है, ग्रेविमीटर दाब से सर पता नहीं क्या है, चलो इनको देखें। सिस्मो, मैंने अभी आपको ऐसे कहा भूकंप के तरंगों को मापता है कि आई या नहीं, मतलब रिकॉर्ड करने का काम करता है, कौन करेगा? सिस्मोग्राफ। स्पीडोमीटर क्या काम करता है? वाहनों की स्पीड, वाहनों की गति को मापने के लिए काम करता है स्पीडोमीटर। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता। ओडोमीटर मापता है वाहनों में दूरी, किसी भी मोटरसाइकिल या किसी गाड़ी को यदि आप देखोगे तो दो प्रकार के मीटर होते हैं, एक मीटर उसकी दूरी को मापता है और एक मीटर उसके वेग को मापता है, तो वेग को मापने के लिए काम करता है स्पीडोमीटर, और दूरी को मापने का काम करता है ओडोमीटर काम करता है। इसको देखें, वही बात है, सिस्मोग्राफ और हाइग्रो आर्द्रता, और रिएक्टर, और इसके बारे में बता सकते हैं क्या आप मेरे को? ज्योग्राफी में पढ़ा रखा होगा कहीं ना कहीं, किससे? भूकंप से रिलेटिव है, मर्केली स्केल माइनस में मापता है यू, तो यू तो मुझे नहीं पता लेकिन ऐसे पता है भूकंप से रिलेवेंट है,
इसको देखें, एक से और पीएच स्केल का परास जीरो से, परास मींस होता है उसका दायरा, कम से कम और अधिक से अधिक, उसको कहते हैं परास। हो गया, परास को सीमा कहते हैं। हाँ, वैसे सीमा अलग होती होगी, कलेक्टरों के पेपर में मार दीजिए फीड, फिर कलेक्टरों से थोड़ा नीचे मारा और उससे पहले ठुल्ले में मार दिया, समझ रहे हो? क्वेश्चन वही रहते हैं और वही रहेंगे, आप जो चीजें पढ़ रहे हो वही रहेंगे, बस उनमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देगा बस परीक्षा में। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? मुकम की, अनपढ़ आदमी तथा जनसंख्या वृद्धि को थोड़ी मापते कि लगा पैमाना हॉस्पिटल के गेट पे लगाए, माप दिया कितने पैदा हुए, नो। पर्सन, पर्सन सही पढ़े, और पर्सन पढ़ाने का मतलब भी, मैं इनको डायरेक्ट भी दिखा सकता था तुम्हारे को फलाना फलाना काम करता है, लेकिन आप क्वेश्चनों को पढ़ने की शैली भी तो सीखे कम से कम। कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब थोड़ी माप, ये कौन मापता है? चलो और चीजों को देखें, सिस्मोमीटर, कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा, सिस्मोमीटर है, सॉरी सॉरी, मैं ग्राफ ग्राफ पढ़ रहा था। ये पृष्ठतल की वक्रता उक्रता को मापने के लिए ऐसे काम करता है, कार्डियोग्राम, मोटर का काम, और कई बार मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती है तो ऐसे कहते हैं यार कार्बोरेटर में कचरा आ गया, तो हवा और पेट्रोल के मिश्रण करने के लिए छोटा सा यंत्र होता है उसमें, उसको कहते हैं अपन कार्बोरेटर। चलो ये भी, और पक्का ही, चलो मान लो तीनों के बारे में नहीं जानते तो अब तक जितने भी क्वेश्चन देखे उनमें ये चीज देख ली कन्फर्म कि बैरोमीटर मापता है किसको? दाब। बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे, धीरे धीरे नीचे और ऊपर, तीनों के बारे में, इनके बारे में भी जाना है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, पक्का? ऐसा कहीं पर्सन आपको परीक्षा में देखने को मिले ना, तो पहला काम आप इस प्रकार से करना, स्टेथोस्कोप, ए मिलेगा तीन से, लग गया, बोलो एक तो ये 3 सेकंड का सवाल है और एक आदमी इसमें लकी टेर कर रहा है, इस स्फैग्मोमीटर, यार ये क्या माप, यार ये रक्षा बीपी होती है क्या इसको? कैरेट, कैरेट वर्ड सोने से, सोने को लगा, सोने की तीव्रता, लक्स प्रकाश बच गया वो इसका, लगा लोगों की पैर इधर और, यार खिटिल लैक्टोमीटर वे छे कौन वे छे यार कहीं सिस्टम छे केरेटो, तो ऐसा पर्सन आ जाए तो थोड़ा बहुत काम इधर से ऐसे ही चल जाता है अपना। लक्समीटर ये प्रकाश की तीव्रता को मापता है, केरेटवर सोने की तीव्रता नहीं है, ये सुत्ता है, यहां सुत्ता है, आज कर ही सकते हैं थोड़ा बहुत होता है, और परीक्षा में आप भी गए तो गया क्या, उत्तर ही लग गया अपना तो। प्रकाश, प्रकाश के लिए फोटोन, प्रकाश की सूक्ष्मतम यूनिट फोटोन, फोटोमीटर, एमिटर धारा, अपने बोरवेल में 2 प्रकार के मीटर लगे, 1 मीटर लगाए एकार, 1 मीटर लगाए वी, ये तो मापता है वोल्टेज और ये मापता है एम्पियर, उसको कहते हैं एमिटर, एमिटर कहते हैं उसको, धारा को मापता है एमिटर, धारा की दिशा को मापता है गैल्वेनोमीटर, क्या मापता है? अभी उधर हाथ लगवा रहे थे मेरा, हां मैं ही हूं, प्रकाश की तीव्रता, अभी बढ़ पा अड़े हो जानगा, ठीक, तुम में से कोई एक आदमी है जो मेरे को 15 यंत्रों के बारे में बता सकता है? 15 यंत्र है? है क्या? मैंने आप 15 यंत्र के बारे में मेरे को बता सकता है?
मैं बोलूं आप बताओगे? नहीं तो नौकामी आप करो, मैं क्यों करूं? भूल जाते हो तो इस टेपड़ी में रहता हूं, आप खड़े होने का हौसला रखें पहले। आपके अभी तक किसी के फांसी लगी क्या? कोई कोचिंग में मान लो कोई क्वेश्चन गलत भी हो गया, उत्तर नहीं भी दिए तो फांसी लगी क्या? नहीं लगी भाई साहब, मास्टर लगा भी नहीं सकता, क्योंकि मास्टर घूर ही नहीं सकता स्टूडेंट को, घूरने पर भी तारा है कि यदि कोई टीचर किसी स्टूडेंट को घूर भी देता है ना तो उसकी भी तारा लगा रखी है, तो वो तो बेचारा उसके हाथों से ऐसा काम कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे तो मेरे को नहीं पता, दारा तो दारा वालों से पूछना, मेरे को नहीं पता है। बताओ फिर आगे वाले क्वेश्चन और देखें, समय थोड़ा कम है, फास्ट कर गति से, कोई ना कोई हौसला बढ़ाए देखिए अपना। हाँ सुन, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, हाइड्रोमीटर जल का घनत्व, जल से रिलेटिव मसले को सुलझाता है। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता, स्पेग्मोमैनोमीटर बीपी, स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन, अल्टीमीटर ऊंचाई, पेडोमीटर समुद्र की गहराई, वायुमंडलीय दबाव को मापता है बैरोमीटर, स्पीडोमीटर वाहनों की स्पीड को, गति को। ये मिले, ये ले जा पेन। और ओडोमीटर दूरी, और गैलोमीटर धारा की दिशा, धारा को कौन मापता है? एमीटर, एनिमो हवा, कैलोरीमीटर ऊर्जा, कैलोरी वो केरेटो है। चलो ठीक, बस बैठ, हो गया काम इसका। सूर्य की किरणों के बारे में पूछा है, वो तुक्का लगाओ। इस स्थिति में तुक्का कैसे? बैरोमीटर बाहर, यह है एक्टिनोमीटर। प्रकाश की, जो सूर्य की प्रकाश की किरणें होती हैं, उन किरणों की तीव्रता को मापने का काम करता है एक्टिनोमीटर। एनीमोमीटर लगा लेकिन, एनीमो हवा, क्रेस्कोग्राफ, ये पौधे की तने की वृद्धि को ऐसे मापता आ जाएंगे। सूर्य का हेलियोस्कोप और टेलीस्कोप दूर स्थित किसी पिंड को देखने के लिए, और सूक्ष्मदर्शी पास की स्थित कोई भी वस्तु को बड़ा करके देखना होता है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस काम में लेते हैं? सूक्ष्म नहीं, अब तो बच गए उत्तल, वो बता दो, झेलता रहूंगा। देखो रटना मत, सूक्ष्मदर्शी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखा, मतलब ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है वही बड़ा बना सकता है, राइट? और प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है कौन सा? उत्तल लेंस। पाइरेलियोमीटर सौर विकिरण को मापता है, पाइरेलियोमीटर किसको मापता है? किसको? और भैया भी तुक्को भी सोचो ना खड़े मारन, सूर्य के दबे हुए तो हो सकते हैं कहीं, कहीं तू कम एक आदमी कल बारान चले जाए। एक्टिनो तो आप सूर्य के प्रकाश की किरणों का तापमान, एथ्रियोस्कोप, इसके द्वारा आकाश में होने वाले तापमान में जो परिवर्तन होता है उसको मापते हैं,
और ए पर्सन अड़े दिख रहा जी एक आध बार पीडीएफ सु थान प्रैक्टिस करनु पड़ लो कि अड़े अपन काई सुने चा काई बतानु चे। बहुत आसान प्रश्न है, ग्लूकोमीटर, ग्लूकोज, डायबिटीज, ब्लड के लगाते हैं तुरंत डायबिटीज बता देता है, फलाना है डायबिटीज, ये रहा। और मैंने हाइपो का मतलब बता रखा है, ए हृदय पट रखा है, हार्ट पटा है, हार्ट में मास्टर यू सुनाया होगा कि भाई साहब बीपी की दो कंडीशन होती हैं, एक होती है हाइपो और एक होती है हाइपर, हाइपर 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 बीपी का ज्यादा होना, बीपी का कम होना कहलाता है हाइपोटेंशन, और लगाया होगा हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन ऐसे लगाया होगा। तो हाइपो वर्ड होता है कम से और हाइपर वर्ड होता है, और बाहर गोड़ाई कर रहा है विकल्पी, अल्प रक्त शर्करा, रे शर्करा नहीं ग्लूकोज खींची, खड़े लगा लुगूर भी माथा सु भी लगाता तो डी विकल्प आतो अगो काम इन, देखो देखो। हाँ अभी मैं बता रहा था, एक तो होता है ए वाला और एक होता है वी, मापता है किसको, विवांतर, वोल्टे, वोल्टमीटर, क्या होता है वोल्टमीटर होता है, और ये मापता है किसको, धारा को मापता है, कि धारा 20 एम्पियर आ रही थी 15 एम्पियर, विवांतर की इकाई होती है वोल्ट, और वाट होती है किसकी, शक्ति की, आधी सी जनता गुड़री मिल रही है दुनिया में, वाट शक्ति की और वोल्ट किसकी है, कौन था वोल्ट बताया मुझे बड़े कई बार, वोल्ट किसकी है, विवांतर की, आज ही खोपड़े में सेव कर लेना, वाट किसकी, वोल्ट किसकी, और अब आ गए पूछ लो 10-15 इकाइयों को नाम बता, क्योंकि मैं पढ़ा दियो पहले टॉपिक ने पढ़ाए हो जाना कहीं, लेकिन अने बतायो, हाँ तो देखो बता देगा को 10 इकाई बता, ते पांचों क्लास का टाबर ने भी इंतजार कह दो ना कि 10 इकाई को नाम बता, तो वो बता दे लो, दूरी की वच है मीटर, चाल की वच है मीटर पर सेकंड, दो समय घड़ी वच है सेकंड, तापमान की फलाना ठिकाना छाला सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट केल्विन, लेकिन ऐसा ही केल्विन ये बता सको जो आराम से, हाँ पास्कल, दाब, दो और दो एरी एरी, वाट की, अच्छा वाट की शक्ति, अरे वाह शक्ति किसकी, वाट की है, वाट होती है शक्ति की, विवांतर की वोल्ट होती है, विद्युत धारा की एम्पियर होती है, अरे 10-12 तो अगी मिली मेरे हिसाब से, और भी नैवी ची तो काका सी रेडिन देख, कार्य की, ऊर्जा की, जूल, कार्य की, ऊर्जा की, ऊष्मा की, अब तो वह गिमिली भाई साहब 10-12, अब के सारी सुनो लमेरकन, फिर शक्ति की नहीं कैसे कर सकती है सही, नहीं 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 नहीं, शक्ति का सूत्र आता है पी बराबर डब्ल्यू बटा टी, जूल बटा समय बता सकती है, लेकिन केवल जूल नहीं बता सकती है, न्यूटन मीटर बता सकती है, क्योंकि कार्य का सूत्र होता है, कार्य के सूत्र से भी उसकी इकाई बन सकती है, ठीक पूरी कौन बता सकू मैं, बड़े मन प्रसन्न दिखाना चाहिए, और इसु सस्तु का लोला, फिर अब तो मन चार वहां का बारह में बताओ, एमीटर धारा, गैलोनोमीटर वोल्टमीटर, बोलोमीटर, हाँ किसी भी वस्तु को गर्म करने पर जो उसका तापमान होता है उसको मापने के लिए काम में लेते हैं बोलोमीटर, कॉमन सेंस को पसंद ही हो यहां,
अरे एक मापन उपकरण के बाठ छे के मापन से मापड़ उपकरण कान माप जाए बस तने पूछ घड़ी का ही छे यंत्र किसको मापती है समय को बस तो यही पूछो तो ही ना भी गैले उन्होंने बेटा तारा की उधर से परवा कड़ीन परवा वे रिचे त्रिवेणी वाणी वे रिचे अड़ीन वे रिचे बैरोमीटर एनीमोमीटर हाँ ये बताओ लैक्टोमीटर ठीक उपस्थिति आई कौन आई एमीटर स्पीडोमीटर ओडोमीटर और हाइग्रो अब जना ही तो कह रहे जो जय जय प्रश्न में आगे चालो लो जना कई बार कोई चीज नहीं भी पूछ ले लो तो भी कब विकल्प आसो आप सही उत्तर तक जा सका था जना तन परीक्षा से पहला 10-20 हजार प्रश्न देकर जाना रही ची कि कई बार आप फड़ तो बहुत सारी चीज लेना चाह लेकिन बाका प्रश्न का लेखा जो का कौन बता रही कि यार प्रश्न कया हो लो और आप कया बता वाला अरे कम से कम भेजाम फटबो तो आ रहे हो लो कम से कम की प्रश्न कया पटे जाए छे कहीं नहीं की जगह है पटे आऊं जी फिर आर मेरी किन बार को डुक जाने बार यार कड़े देखे एक प्रश्न गलत हो वो चाहिए यहाँ परीक्षा मैं धक्का खा रही जो कोचिंग हम तो थारा मसूब कोई ना कोई खा सके चाहे जना कह दियो था ना यहाँ अब कौन रियो कौन लगा बचाओ उस संदर्भ है वो डंग को काम करो अब बचाओ चर मैं डंग को करियो को ना मत मन ही मत हो चाहे धारा वो बावड़ बना बेलो जड़े कि बच्चा इसको कसी धारा वे दिष्ट धारा वे फलानी वे कसी वे गासु मापाला हाइग्रोमीटर पाइरोमीटर उच्च तापमान को मापने के लिए काम में लिया जाता है ओ वाट मीटर खेती का ही पैदा हो गोड़े तुक्को लगा था तो उपरोक्त सभी ए दो विकल्प तो आ गए दो और बच रहे थे जो और मेरे मुंड फोड़ दियो एमीटर लगाते हैं अपने तो कहीं बोल रीडिंग काट सके नेक के बराबर बिजली खर्च जाए वागो दूसरा और सुने उपयुक्त सब बीच है तो और उपयुक्त सभी नवे जने ही देख लू छोत्रो तो कौन था गयो संयोजन में जोड़ा था कम लेकिन प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में रुकावट ओ धारा का मार्ग में रुकावट कर तो अपनी मोटर गन बिजली जा रही भी रुकावट पैदा कर तो तीन लगाता के कौन लगाता यह बात सही है दो लगा तो तीसरो सही है फिर और बिना आज का बाद में ध्यान रख जो एमिटर ने संयोजन क्रम में लगावा था कौन सम अबार वाली बात ही वोल्टमीटर विवान वोल्टेज वही है विवांतर की इकाई है वोल्टेज ए तो मिलेगा 20 से या तो उत्तर ये या उत्तर एमीटर धारा येरा दूसरा एस लग गया परीक्षा में सारा कुन जांचना था जच को बोया पूछो कि थर्मामीटर को संबंध है तापमान सूच है मैं इलेक्ट्रोमीटर का किससे है दूध से और अनि सुन ए यंत्र अब समझ का कड़े भी काम कड़े काम मा सकी जी रीजनिंग में भी काम मा सकी जी बोलो यो विकल्प से बाहर ये भी विकल्प से बाहर विकल्प
बोलोमीटर क्या मापता है ये बताएं आप, देखें एक बार, किसका तापमान? ठीक। और एक गैल्वेनोमीटर, और जहाजों में समय मापने के लिए काम में लिया जाता है क्रोनोमीटर, कौन काम में लिया जाता है? कौन कौन? एक बार और बताना, देखिए कौन? क्रोनो, समुद्र की गहराई वहराई से रिलेटिव है, सोनार। विद्युतवाहक बल को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर किसको काम में लेते हैं? किसको? जरा बताना दोबारा। सारे विकल्प जानते हैं, बोलो स्पीडोमीटर किसकी? किसकी? टोकोमीटर, मैं भी अभी ऐसे बताया, टायर के सापट के चारों तरफ टायर कितना गति करता है, गमन करता है, कितने चक्कर लगाता है। आईटीआई कितने किए हुए हैं? आईटीआई वाले को मुख्य रूप से इस बात का पता रहता है टैकोमीटर का, कि कोई भी जैसे कोई भी सापट के चारों तरफ कोई टायर चक्कर लगा रहा है, अन्य कोई चक्कर लगा रहा है, उसको मापने का काम करता है कौन? टैकोमीटर, जिसको कहते हैं आरपीएफ में मापा जाता है, राउंड पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट, एक मिनट में कितने चक्कर लगाता है। एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर, हाँ ऐसे थोड़ा ध्यान रखे यार। परिक्रमण, टैकोमीटर, और शुरू में कौन बताया जाता है? चक्कर प्रति मिनट आरपीएम में मापता है कौन? टैकोमीटर। कौन मापता है? राउंड पर मिनट। किसी भी सापट के चारों तरफ कोई भी चीज गमन करती है, चक्कर लगाती है, उस चक्कर को मापता है टैकोमीटर के द्वारा। आओ इधर, इधर देखें, बोर्ड की तरफ देखें आप। चीज वही है, थोड़ा सा बावड़ा बढ़ाने के लिए दे दिया। वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या में आपने आरपीएम हमारी तो बतायो, राउंड चक्कर प्रति मिनट, एक मिनट में कत्ता चक्कर नहीं परिक्रमण परिभ्रमण रहे हैं कि ची बता सके था? टेको, अया देख लो, टेकी दे बेलो चाहे टेली दे बेलो चाहे कौन सी, यो टैकोमीटर। चक्कर प्रति मिनट, और ऊर्जा अनुकूल मापच है, ओडोमीटर, दूरी, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, या नहीं पता क्या है? पहले तो आप जरा मेरे को ऐसे बताना, ऑटोमोबाइल किसे कहते हैं? किसको? हाँ वाहनों को। शुरू में जब मैं नहीं जानता था तब मेरे चक्कर पड़ गया था जरा, वो ऑटोमोबाइल क्या है, क्योंकि पर्सन पहली बार ऐसे देखा कि ऑटोमोबाइल के धुएं से सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन किस धातु से होता है? शीशा, लेड, पीपी, भाई ऐसी, वेरी गुड, ऐसे चीजें आनी चाहिए। हो गया काम? स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ऑडोमीटर, जो पूछा वो बता सकते हैं। दो चीजें याद रखें, पानी के नीचे सोनार, पानी के ऊपर रडार।
हो जाएगा। पानी की तुक्को भी लगा सकते हैं। आज तक यान को कोई यंत्र पैदा भी हो चाहिए जो समुद्र में पेड़ पौधा ने मापा लो कि कत्ती वनस्पति पैदा होगी। बेजो लगा बोगर परीक्षा में जब कोई नयो प्रश्न आ जाए जना गहराई तो मापी जा सके। अया मापी जाए कि मछली कतरी चीर कतरी को ना, या मापी जाए प्रकाश कत्ती दूर तक गयो कत्ती दूर तक कौन गयो कर वह संभव तो वह सके माप ले कोई। लेकिन तुक्को भी लगाता तो अड़े सु लगाता ये मासू और सी मासू तो जाना जा इकोलेशन सोनार का एक पहाड़ी सा होता है उससे मापते हैं गहराई। पानी की गहराई नहीं उसमें किसी अवरोध का पता लगाने के लिए भी अपन काम में लेते चट्टान पलाना डिखाना। हो गया फिर लगा लो ठो डेठा डगात। कौन सा समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पंडुपी में काम में लेते हैं? पेरिस्कोप। और आपके पास परीक्षा में प्रश्न ऐसे आता है कि पेरिस्कोप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पंडुपी होती है उस पंडुपी से जैसे मान लो ये कोई पंडुपी है इस पंडुपी में यहां वाली पानी के अंदर है इस नलिका को पानी के निकाला जाता है बाहर इस नलिका से चित्र बनता है यहां वाले आदमी का। यहां होता है समतल दर्पण इसका प्रतिबिंब बनता है यहां और यहां बैठे हुए आदमी को आसानी से दिख जाता है कि बाहर कौन सी प्रतिक्रिया हो रही है उसको कहते हैं पेरिस्कोप। ऑडोमीटर पाइरोमीटर उच्च तापमान। उष्मा उष्मा कैलोरी मीटर। कौन अब बाहर बताए जो उष्मा की इकाई कैलोरी। अरे जूल जूल कैलोरी किलो कैलोरी तीन हम संबंध अच्छा है उष्मा धारिता वही है हाइग्रो और तो बोलना तरल पदार्थों का घनत्व है फैटोमीटर और आर्द्रता मापी दूध का हाइड्रो बैरो थर्मामीटर हाँ यही कोई कौन करे कोई ना कोई समस्या चुका है तरल है लेकिन दूध के लिए स्पेशल काम में लेते हैं। आया वो परीक्षा पर्सन लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली आर्कमिडीज। तरल पदार्थ में डूबने डाबने का सिलसिला ऐसे होता है वो आर्कमिडीज नहीं दिया था वो सिद्धांत उसके सिद्धांत के अकॉर्डिंग काम करता है इलेक्ट्रोमीटर। एक सवाल हो रहा है और वही प्रश्न ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न एक ही है लेकिन चीजों को बदल रखा है बस। तो थे अभी जान गा वो लाभ तो कि हाइग्रोमीटर कहते जिंदगी में बदले को ना बोई रह लो कि गाड़ी हम दूसरे यंत्र आ जाए ओडो की जगह स्टेथोस्कोप लगा दी स्टेथोस्कोप की जगह ओडो लगा दी वही रहेंगी बस पूछने का तरीका दूसरा रहेगा। एसी में फ्रिज में आप ऐसे नहीं कहते एसी को 16 पे चला 24 पे चला। किसी तापमान को एक बिंदु पर फिक्स करने के लिए अपन काम में लेते हैं थर्मोस्टेट। थर्मामीटर होता है तापमान मापने का। एनिमो अब मैं धन्यवाद करूं मन बीसे के अंतर सुना दो देखा कोई एक आदमी मैं जाऊं जो नहीं हेलो
हाँ यू यू, हाँ लास्ट में तू बगैर मौत ही मर गया। हाँ बता, लैक्टोमीटर दूध की सुत्ता। वेरी गुड, कौन सा? थर्मामीटर तापमान। वेरी गुड, स्पीडोमीटर स्पीड, एनीमोमीटर हवा का वेग। वेरी गुड, स्टेथोस्कोप हृदय, स्पैग्मोमैनोमीटर बीपी, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों को महसूस करना है और उसका कहीं चित्रण बनाना। और तीन यंत्र ये पड़े, यूज आने वाली गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा, एमिटर धारा और विभवांतर वोल्टमीटर। ये पंखा कितना घूमेगा 1 मिनट में? टैकोमीटर। वेरी गुड, चक्कर प्रति मिनट। और वाहनों में ये दो दूरी और चाल, ऑडोमीटर और पैदोमीटर, समुद्र की बैठ देखे। और एक आदमी और बता दे, कोई एक मन से खड़ा करने से नहीं, मन से कोई एक आदमी और बता दे। 20 नहीं, खड़ी तो मैं तो सपोर्ट करूंगा, खड़ी तो पहले। हाँ अब बता, लैक्टोमीटर दूध की सुत्ता, थर्मामीटर तापमान, थर्मोस्टेट तापमान को एक बिंदु को एक बिंदु पर स्थिर करने के लिए। वेरी गुड, वाहनों में स्पीड को मापता है स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर दूरी को, हाँ एनीमोमीटर वायु का वेग, वेग दिशा सारे से मापता है, और गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा, और वोल्ट विभवांतर की इकाई है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर काम में लेते हैं। पैदोमीटर समुद्र की गहराई, एमिटर धारा, टैकोमीटर, टैकोमीटर घूर्णन गति को। और सुन, सिस्मोग्राफ, पाइरोमीटर, सूक्ष्मदर्शी, पास स्थित किसी भी वस्तु को बड़ा करके देखने में, दूरदर्शी, दूर स्थित किसी पिंड को दिखाने में, और हेलियोस्कोप, हेलियो, हेलियो सूर्य को देखने के लिए, और उच्च तापमान, और भूकंप की तीव्रता का मापन, रिएक्टर स्केल, रडार ऊपर, सोनार नीचे, समुद्र के ऊपर वाले जिन मसलों को सुट जाएगा रडार, समुद्र से नीचे सुट जाएगा सोनार। बैठ, हो गया काम? बाकी इनके और क्वेश्चन देखे हैं, वो देखना, पीडीएफ से मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं से। ठीक है, आप धन्यवाद।